भाई साहब अभी आपको कुछ फायदा हो रहा है क्या? जी 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 तो देखिए भाई साहब कैसे नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा कुछ फायदा वगैरह कुछ क्या हुआ? हाँ काफ़ी हद तक फायदा है। जी जी फायदा बता दो। नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं करमवीर सारसर। ये तस्वीर अब मैं आपको राजगढ़ सादलपुर की जो दिखा रहा हूँ, निर्मल नेचुरोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालय, तो ये जो तस्वीर है राजगढ़ सादलपुर की, और ये जो रास्ता है इधर से, इसके सीधा अपोजिट शनिदेव मंदिर है, और यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधालय है। तो हम डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे, डॉक्टर विश्वजीत से। चलिए अंदर चलिए। तो देखिए अभी हम औषधालय के अंदर आ चुके हैं, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ मेरे सवाल है, मैं कुछ सवाल लिख के लेके आया हूँ कि औषधालय में चलेंगे और डॉक्टर साहब से भी सवालों के बारे में पूछेंगे। मेरे सवाल नहीं है, काफ़ी लोगों के सवाल हैं सर ये। तो पहला सवाल मेरा है डॉक्टर साहब कि अपना और अपने औषधालय का परिचय दें, क्योंकि पब्लिक को तो पता होना चाहिए ना सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत बेनीवाल है। मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी हूँ जी, और साधनपुर में मेरी ये दूसरी ब्रांच है जी। पहली ब्रांच अपनी उदयपुर जी सिटी राजस्थान में ही है जी। और अभी नई से अभी ये अभी 8 महीने पहले राजगढ़ में ओपन हुई है, जो एक आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक चिकित्सालय है पूरे हिमाचल के लिए। यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया जाता है। तो दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो तस्वीर है वो राजगढ़ साधनपुर की औषधालय से, हम आपका ये जय हरियाणा टीवी चैनल पे प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। तो पिछले वर्ष आपने योग से अवार्ड विश्व रिकॉर्ड अर्जित किया है, उस बारे में आप पहले ये बताइए। आप बहुत बड़ा मेरा सवाल रहेगा, बताइए उस बारे में। जी, मैंने 2019 में योगा में विश्व रिकॉर्ड बनाया था जी, जो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से योगा में बनाए जाते हैं जी। हर साल उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में जी। तो 2019 में मैंने ये बनाया था नवंबर में, जिसके लिए मैं पिछले 3 साल से अभ्यास कर रहा था। 16, 17, 18, 19 में मैंने जाके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है वो साइड बनाई थी जी। और क्या कह रहे थे? बस इसी रिकॉर्ड आपने जो बनाया वो कब बनाया? तो थेरेपी आपके उस दाले में उपलब्ध है सर? हमारे यहाँ उस हॉस्पिटल में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, फिजियोथेरेपी और प्राकृत चिकित्सा संबंधित सब प्रकार के ट्रीटमेंट्स यहाँ पर करे जाते हैं, जैसे मिट्टी चिकित्सा है, लेपन चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा है, और अपना स्टीम बाथ है, फुल बॉडी स्टीम बाथ है, फुल बॉडी मसाज है, एनिमा वगैरह है। तो ये प्राकृत चिकित्सा के पूरे तरीके के अपन ट्रीटमेंट करते हैं। और आयुर्वेद में अपन मेडिसिन का जो रहते हैं अपने, जैसे कि घुटनों के दर्द के हो गया विशेष तरीके की थेरेपी करते हैं, कमर दर्द की अपन विशेष थेरेपी करते हैं, पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, और आज के टाइम में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह है, पेट में हजारों तरीके के रोग होने लगे हैं, और वात पित्त कफ के जितने भी रोग हैं उनको अपन परमानेंट ठीक करते हैं। लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है इनका, आयुर्वेद और प्राकृतिक दोनों से मिला के इनका ट्रीटमेंट करते हैं। एलोपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा से क्या फ़र्क है, और कहाँ देहात के लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा सुविधाजनक है? जी, आज के टाइम में प्राकृतिक चिकित्सा को लोगों को कम ही लोगों को मालूम है इसके बारे में जी। और ये पद्धति जो है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है जी। एलोपैथी तो अभी कुछ वर्षों पहले ही जो एलोपैथी का विकास हुआ था, उस सबसे पुरानी पद्धति जो प्राकृतिक चिकित्सा है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा पता लगा होना चाहिए, या हम आपको गुजारिश करेंगे आप लोगों को ज़्यादा बताओ जी जी। प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के पेशेंट को जो कैसे ठीक करते हैं, कैसे इसमें चिकित्सा करी जाती है, बहुत से इसमें अलग अलग उपचार के तरीके हैं करने के, जो आप घर पर भी कर सकते हैं, और जो अपने घर पर जितने भी चीज़ों को अपने मिला के एक अपने बाहर की विधि जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं उनसे बच के अपने घर पर भी सुरक्षित हो सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं जी। ये तो आपके औषधालय का हमें पता बताइए, ताकि लाखों लोग अभी आपको देख पा रहे हैं, तो उनको भी तो एड्रेस वगैरह पता होना चाहिए सर यहाँ का। अपना हॉस्पिटल एक तो उदयपुर में है सेक्टर 14 में जी, और राजगढ़ में मैन बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के आसपास दायरे में है, इधर शनिदेव मंदिर के सामने, बिल्कुल शनिदेव मंदिर के सामने अपना हॉस्पिटल है।
हफ्ते की विजिट रहती है हनुमानगढ़ बॉम्बे हॉस्पिटल में, और हफ्ते की रहती है मेरी उदयपुर में जी। और लगभग मैं बाकी का टाइम यहीं पर बैठता हूँ जी, राजगढ़ में जी। तो जो आसपास के पेशेंट हैं उनको देख लीजिए जी। तो मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा सर आपसे डॉक्टर साहब, खिलाड़ी रहते हैं आप एक खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों को चोट लग जाती है सर, वो जो वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके लिए क्या आपकी विशेष छूट रही है जी? जो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स वगैरह तैयारी करते हैं, जैसे कबड्डी वगैरह की हो गई, वेट लिफ्टिंग की हो गई, इन इन खिलाड़ियों के लिए हम विशेष प्रकार की थेरेपी, जैसे कपिंग थेरेपी है और आइडो स्टीम बात है, ये सब उनको हमें प्रोवाइड कराते हैं लंबे सीज में, तो वो लेते रहते हैं हमारे पास में, तो उनके लिए हम विशेष प्रकार की छूट रखते हैं पूरी जी। हमारी सभी प्रकार की थेरेपी 200 रुपये के, 200-300-250 रुपये के अंदर रहती है जी। तो ये तस्वीर आप राजस्थान के राजगढ़ सादरपुर जो हरियाणा बॉर्डर टच लगता है बहल और राजस्थान का जो सीमा, हाइड्रो स्टिंग बात वार्ड, तो मैं आपको यहाँ का एक विजिट करवा देता हूँ और यहाँ पर किस प्रकार से ये जो भाई साहब को अभी जो इनको दिया जा रहा ट्रीटमेंट, तो ये किस प्रकार से है भाई साहब? अभी आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या जी? फायदा हो रहा है जी 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 जी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो तस्वीर मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार से हमें ये यहाँ पर एक्यूप्रेशर के साथ ये मशीन के माध्यम से खड़ा होकर इनको ये दिया जा रहा है ट्रीटमेंट। भाई साहब कैसे लगा दें आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी जी। तो देखिए मशीन के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर पहुँच हुआ हूँ, तो आपको दिखाऊंगा ये यहाँ पर तवज्जो रखते हैं। तो ये भाई साहब देखिए इनको दिया जा रहा, भाई साहब कब से आप आ रहे हो इधर? एक हफ्ता हो गया। अच्छा, कुछ फ़ायदा वगैरह कुछ क्या हुआ? हाँ, काफ़ी हद तक फ़ायदा है जी जी जी। तो फ़ायदा बता दें, अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं दूसरे के डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो यहाँ पर पेशेंट वगैरह भी इनके हैं, तो उनसे भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिया जा रहा है। भाई साहब आपको कितना रिलैक्स हो रहा है और कितना फ़ायदा हुआ? काफ़ी फायदा है सर, मेरे पीठ में दर्द था उसका। अच्छा अच्छा, रेगुलर चिकित्सा ले रहा हूँ यहाँ पर जी जी जी। तो देखिए जो हमने आपको तस्वीर यहाँ से साझा की, इसको सुधार ले सकिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमें आके बहुत ही अच्छा लगा आपके जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगह टी वी चैनल को हम जी सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए कहेंगे जी जी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जय हरियाणा टी वी, जय हिंद।